पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा लगातार आंदोलनरत है। आंदोलन को गति देने और जिम्मेदारों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जनपद पंचायत रीवा कार्यालय से पैदल यात्रा कर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हम आपको बता दें कि आज सड़कों पर दिखा कर्मचारियों का जनसैलाब। कर्मचारियों के 61 संगठनों ने मिलकर किया कलेक्ट्रेट का घेराव, सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बैनर तले आज 61 संगठनों ने मिलकर रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जनपद कार्यालय रीवा में कर्मचारियों के 61 संगठनों ने मिलकर ज्ञापन पत्र सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यदि उनकी मांगे मंजूर नहीं है तो आने वाले 4 राज्यों के उपचुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि नियमितीकरण, वार्षिक अनुबंध, नवीनीकरण सिस्टम बंद करने, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में पंचायत अमला आंदोलन कर रहा है। रीवा के जनपद कार्यालय में भी लगातार मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। आज एक ही बैनर तले संयुक्त मोर्चा ने पैदल यात्रा शुरू की। जनपद पंचायत कार्यालय से शुरू हुई ये यात्रा सिरमौर चौराहा, काले चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट में जाकर समाप्त हुई। आंदोलन कर रहे संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह ने पंचायत कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया था, तो आज तक वो सत्ता में नहीं आए। इस बार शिवराज सिंह से भी हम सत्ता छीन लेंगे। आइए सुनते हैं ब्लॉक अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आपको ज्ञापन सौंपने आए, किन मांगों को लेकर आए हैं? हमारी बहुत सारी लंबित मांगे हैं, जिसमें कि हमारे 17 संगठन पहले 19 तारीख से बैठे हैं, अभी कल से 41 संगठन और आ गए। अब कुल मिला के हम लोग 61 संगठन एकत्रित हो गए हैं, जिसमें कि हमारी इतनी मांगे हैं कि बताऊंगा तो आपका वीडियो फुल हो जाएगा। इतनी सूत्री मांगे हैं और प्रमुख मांगे क्या है आपकी? प्रमुख मांगे हमारी है कि 2 साल से सभी कर्मचारियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता, 2 इंक्रीमेंट, और हम मैं पंचायत सचिव संघ का अध्यक्ष हो चुकी, इसलिए हमारे पंचायत सचिवों का गणना दिनांक से गिनती कर पंचायत विभाग में सम्मिलियन किया जाए। इसी तरह हमारे छोटे भाई रोजगार सहायक साथी जो 2008 से अनबरन ड्यूटी कर रहे हैं, जिनको मात्र 7,000 में ड्यूटी ले जाती है। जैसा कि आपको पता है, आप शहर के अंदर पत्रकार हैं, घूम के देखिए किसी व्यापारी के यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है 500 रुपए रोज 15,000 महीने में काम कर रहा है, साथ में चाय नाश्ता भी, वो भी हफ्ते में उसको भी छुट्टी मिलती है। लेकिन हम कर्मचारियों को 2 साल से कोरोना का बहाना देकर न शनिवार जानते, न संडे जानते, न कोई त्योहार जानते, 3 योजनाओं का तनख्वाह बताकर कम से कम 20 योजनाओं का काम लिया जाता है, जिससे कि हमारे रोजगार सहायक और सचिव साथी और संविधान कंप्यूटर साथी अधिकारियों के डांट साके डिप्रेशन का आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक साधारण मजदूर मर जाए तो सरकार 2 लाख दे रही, एक्सीडेंट में मरे तो 4 लाख दे रही, लेकिन हमारा कर्मचारी मर जाए तो कफन के लिए पैसा नहीं है। इसी तरह की हमारी कंपनी संगठन एक बैनर के तले माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री सबको आगाह करना चाहता हूं कि ये आप रवैया सुधार लें। पता नहीं है कि मध्य प्रदेश का आज हड़ताल का 11वां दिन है, ये कैसा मुख्यमंत्री? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन्हीं कर्मचारियों को एक बार कांग्रेस की सरकार ने दिग्विजय सिंह ने चैलेंज किया था कि मैं कर्मचारियों को कुछ नहीं मानता, यही वो कर्मचारी है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के जिन्होंने दिग्विजय सिंह को उखाड़ फेंका है। आज 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं आई, और आज आपके चैनल के माध्यम से हम संयुक्त मोर्चा के सभी समस्त कर्मचारी शपथ लेते हैं शिवराज सिंह को ऐसा उखाड़ फेंकेंगे। दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश में 14 साल बन चुके हैं, लेकिन